एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओ लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जनवरी 2016 2017 में भी पूछा गया है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है जुलाई 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी दे रहे हैं या ऑफिस बीसीए का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें पेपर होता है ऑफिस टूल, तो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। अगर कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होगा तो आंसर आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पहले आपको मैं फिगर दिखाने वाला हूँ, जो आंसर राइटिंग करिएगा ऑफिस 2016 के अंतर्गत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ फीचर दिखाई दे रहे हैं। जब आप एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, इसी के अंदर आपको ट्रांजिशन पूछा कि ट्रांजिशन का इस्तेमाल हम पावर पॉइंट में कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू। डिजाइन मेनू नहीं हमें यूज करना है, हमें यूज करना है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बारे में पूछा गया है, तो ट्रांजिशन के इफेक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये समझ लीजिए। ट्रांजिशन का इफेक्ट एक पेज पे पूरे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये पेज है, इस पेज को आप कैसे रन कराना चाहते हैं, एक फोटो एल्बम बना रहे हैं आप, तो कॉलेज एल्बम बना रहे हैं, तो उस पर इफेक्ट देना चाहते हैं कि ये पेज कुछ अलग तरीके से ओपन हो। ठीक है, ऊपर से ड्रॉप करके आए पूरा पेज, या कोई कर्टन की तरह ओपन होकर के आए, ड्रॉप की तरह से ओपन होकर आए, या पेज खुल रहा है तो फ्लैश करके आए। ठीक है, पुश करके ऊपर चला जाए, पुश करके इधर चला, लेफ्ट में, राइट लेफ्ट में चला जाए, स्प्लिट करके मतलब आधा आधा ब्रेक होकर के निकल जाए। तो आपको करना क्या होगा, ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ नीचे डेफिनेशन दिया गया है, पर इसको आप समझ लीजिए। जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इसके बारे में आप जरूर लिखेंगे कि कट फैड मतलब जूम करना, पुश करना मतलब ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट के ऊपर। ठीक है, जब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इन सब ऑप्शन का, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन होता है। अगर यहाँ पे दिया हुआ वाइप यानी लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ ऑप्शन देता है इस एरिया में, अगर इसको आप राइट की तरफ मूव करना चाहते हो तो राइट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इफेक्ट ऑप्शन। ओके, अब समझिए, यहाँ पर रैंडम बार अलग अलग तरीके से करेगा, शेप की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और फ्लैश चल करके कंटेंट दिखाई देगा। अगर चाहते हैं कर्टन की तरह दिखाना चाहते हैं, फॉल ओवर की तरह, या ड्रॉप करके ऊपर की तरह दिखाना चाहते हैं, या चाहते हैं कोई कर्टन खुल के दिखे, जैसे कि ड्रामा का स्टेज जो खुलता है, स्टेज उसका कर्टन। ठीक है, तो वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड फॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कम 8-10 आपको याद होने चाहिए, याद रहेगा तो आंसर राइटिंग करने में आसानी होगी। क्रस है, पील ऑफ है, पेज कर्व है, एरोप्लेन मोड है, ठीक है, श्रेड है, वर्टेक्स है, ग्लिटर है, हनी कॉम है, शहद का जो छत्ता जैसा होता है वैसा, रिपल है, क्लॉकवाइज घुमाना, ब्लिंड है, चेकबोर्ड है, डिसॉल्व है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है काफी। अगर हम अपना स्लाइड पेज बनाते हैं, फोटो एल्बम वगैरह, तो हम ओरिगैमी का इस्तेमाल करते हैं, इस स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लिप का इस्तेमाल करते हैं, गैलरी का भी, गैलरी है, क्यूब है, डोर जैसा ओपन होता है, बॉक्स है, कॉम्ब है, जूम करने का ऑप्शन है, रैंडम ऑप्शन है, ठीक है, रोटेट करने का ऑप्शन है। तो इसमें से कम 8-10 अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, इनका अलग अलग इफेक्ट होता है। आप चाहें तो क्या होता हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में कि हम जितने भी, जैसे आप 20 पेज लेते हो, 50 पेज लेते हो स्लाइड, तो पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसको पेज को बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, तो हम पावर पॉइंट के अंतर्गत 20 स्लाइड, 10 स्लाइड, चाहे जितना स्लाइड ले सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो अगर हमारे पास कई पेज है, ठीक है, जितने पेज है हर पेज पे अलग अलग इनका इफेक्ट हम दे सकते हैं। चाहे तो हम एक भी इफेक्ट, जैसे हमने पील ऑफ का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है अप्लाई टू ऑल, अगर अप्लाई टू ऑल करते हैं तो हर एक पेज पर एक ही इफेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब सब पर क्या होगा, जितने भी पेज खुलेंगे ये इसी टाइप के, इसी तरीके से ओपन होंगे। ठीक है, अगर फ्रैक्चर वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो हर पेज फ्रैक्चर जैसा ही ओपन होगा। बात समझा रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं आंसर में कि अगर हमें एक ही ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है सारे पेज पे, तो हमें अप्लाई ऑल का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप इस चीज को भी मेंशन करेंगे, साउंड ऑप्शन। ठीक है, कुछ यहाँ पे रेडीमेड, जैसे कि कुछ एमएस ऑफिस के साउंड होते हैं, जैसे पेज जब खुलेगा तो एक साउंड साउंड प्ले होता है ना, आपने नोटिस किया होगा, जब जैसे कि आपने कार्टून वगैरह मूवी देखा होगा, ठीक है, राजा कहानी या ऐसा कोई स्टोरी, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो चलता है वैसा म्यूजिक आप यहाँ पे बना सकते हैं जब पेज खुले। ठीक है, जैसे
महल में राजा की एंट्री होती है तो वैसे जो साउंड होता है, या सुबह होता है तो पक्षियों की आवाज होती है, ठीक है, तो वैसे आप यहाँ पे साउंड लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें साउंड क्लिप भी, जैसे वॉइस का जो रिकॉर्डिंग होता है, उसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि एक पेज हमारे पास ये वाला पेज है, ये कम से कम 20 सेकंड तक चले, ठीक है, या जो हमारे ये पेज खुले, आराम से खुले, तो आप ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। मतलब स्लाइड का ड्यूरेशन बढ़ाना हो तो हम यहाँ से टाइमिंग दे सकते हैं, ये सेकंड में होता है, ठीक। इसके बाद एक ऑप्शन होता है एडवांस स्लाइड, इसको भी मेंशन करना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। एडवांस स्लाइड हेडिंग देकर के आप लिख लीजिएगा। इसके अंदर दो ऑप्शन होंगे, एक होगा ऑन माउस क्लिक। ऑन माउस क्लिक का मतलब यहाँ पर ये यह हो जाता है कि हमारे पास, हम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें जितना भी पेज हो क्लिक करने पर आए, फिर उसको समझाया जाए, फिर अगले पेज पर क्लिक किया जाए, मतलब क्लिक बेस बनाना प्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, हर पेज का 10-10 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइमिंग दे दिया कि ये पेज, जैसे एक पेज ये है 10 सेकेंड तक चले, फिर ये 10 सेकेंड चले, तो यहाँ पर टाइमिंग दे सकते हैं। बात समझ रही है? अगर वीडियो वगैरह बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हटा देंगे आप, कि हर एक पेज ऑटोमेटिक चले 10 सेकेंड 20 सेकेंड बाद, ये बात समझ आ रही है? तो इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा कि अगर प्रेजेंटेशन देना है तो हम ऑन माउस क्लिक का इस्तेमाल करेंगे, अगर वीडियो बनाना है या ऑटोमेटिक सभी पेज को रन कराना है एक साथ, ठीक है, तो हम आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे और पेज का टाइमिंग दे देंगे, ये बात समझ आ रही है? और एक और चीज, जब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं तो हम यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, इसका आप एक प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा सकता हूँ। यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करिए, ठीक है, वो ये ऐसे ही मूव करेगा। यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन होता है, इसको डायमंड शेप में मूव कराना चाहते हैं, डायमंड शेप में मूव करेगा, ठीक है। अगर फ्रैक्चर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल फ्रैक्चर वाला इस्तेमाल करेगा ऑप्शन। कर्टन, यानी जैसे कि कर्टन कोई खुलता है, कोई मूवी शुरू होता है स्टेज पर, वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ड्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बस बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है, ताकि आप आंसर खुद से बनाइए, ठीक है, आराम से लिखिए, ठीक है। क्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रश आप देख अपने देख लिया, ठीक है। और भी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एरोप्लेन मोड, इसका आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, दोबारा चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको बहुत ही आराम से प्ले करके दिखाएगा। रिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉकवाइज इस्तेमाल कर सकते हैं, चेकबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन तो आप जानते ही ऑलरेडी, आप बना भी सकते हैं डेफिनेशन, लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आप जब आंसर लिखिएगा तो आपने जो भी एमएस ऑफिस पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वही आप लिखिएगा। जैसे 2016 के बारे में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, तो लिख सकते हैं इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 स्लाइड ट्रांजिशन और द एनिमेशन लाइक इफेक्ट, मतलब जो हम ट्रांजिशन इस्तेमाल करते हैं वो एक इफेक्ट रूप में काम करता है। यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ ईच स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट, मतलब हर एक पेज का जो इफेक्ट होता है, स्पीड होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। इसके साथ और मेंशन कर सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके वी कैन क्रिएट आल्सो फोटो एल्बम, हम फोटो एल्बम बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप का स्लाइड इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजिशन मेनू से, ठीक है, एंड आल्सो इंसर्ट साउंड हेल्प ऑफ इंसर्ट मेनू, मतलब अगर बैकग्राउंड में चाहते हैं, अगर आपके पास 100 पेज है, आप बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलाना चाहते हैं, तो आपको इंसर्ट मेनू जाना होता है, साउंड एक ऑप्शन होता है, वहां से MP3 लगा सकते हैं आप, ठीक है, और MP3 लगाने के बाद आप उसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ख्याल रखिएगा, हर एक टाइप का MP3 इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। अगर MP3 सपोर्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है क्विक टाइम प्लेयर, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सेशन है, देख के पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर अब कुछ हेडिंग देकर के लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग ही करना है हमें, ठीक है, तो एड डिफरेंट स्लाइड ट्रांजिशन टू द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, तो आप लिख सकते हैं कि हम कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड का, स्लाइड टैब में जाएंगे, होम का इस्तेमाल, होम से यहाँ पे थंबनेल मिल जाता है स्लाइड का, ठीक है। जैसे कि हम जब ओपन करते हैं पावर पॉइंट, तो
होम मेनू में ही हमें स्लाइड का पेज का मूवमेंट दिखाई दे देता है। अगर देखना चाहते हो मैं दिखा देता हूँ अभी, जस्ट यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है न्यू स्लाइड। ठीक है, स्लाइड पेज हम इंसर्ट कर सकते हैं होम मेनू में। इसका पूरा स्टेप दिया हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया अभी। ठीक है, सेम सेम वही चीज है। और अब अगला पेज देख लीजिए, इसमें एड साउंड टू स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन के साथ कैसे हम साउंड इंसर्ट करें। जब ऐसे क्वेश्चन जब हम लिखते हैं तो उसका स्टेप लिखना भी कंपलसरी हो जाता है कि कैसे हम साउंड इंसर्ट करेंगे, किस किस मेन्यू पे क्लिक करके करेंगे। ठीक है, तो होम टैब तो जाहिर सी बात ओपन होता है ये, फिर एनिमेशन टैब में जाते हैं, ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में जाकर के हम साउंड इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सेशन बनाने में काफी टाइम भी लगा है। अगर आप मुझे मेरे सेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।